टाइम पे आती है यार, पंचायत था। मैंने भी शो किया, बहुत बहुत बुरा था, लेकिन लिखा मुझे पूरा टाइम भी बर्बाद किया, तुम्हारा चेहरा भी देखा सारा था। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं ब्रूट इंडिया पे। एंजॉय। वेब सीरीज पंचायत के प्रहलाद चचा एक्टर और प्रोड्यूसर फैसल मलिक, ब्रूट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज ही के दिन यानी 28 मई को इसका तीसरा सीजन आया है पंचायत 3 का, लोगों की फोन ओन आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? अच्छा लग रहा है, वो बहुत ढेर सारे लोग रात भर से अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। शो जो हमने सोचा था कि इस बार जो है लिखाई वाइज जो है तो उससे अच्छा है, तो लग रहा है कि दो से अच्छा ही शो है, क्योंकि हर एक शो का अपना एक उम्र होती है, वो ऑडियंस के साथ बड़ा होता रहता है। मुझे लगता है कि आप जो है एक अच्छे स्पेस में शो है जहाँ लोगों को पसंद आ रहा है, मज़ा ही आता है यार। किसी फोन आता है बुरा कहाँ लगता है किसी का। जी जी। पंचायत के सेट पर क्या माहौल था, मतलब कोई किस्सा अगर आप बताना चाहें कुछ? वहाँ रोज़ एक किस्से वाला सेट है वो, क्योंकि जो शूटिंग अपने आप में एक तरीके का हंसी के 2 महीने जाते हैं, तो वहाँ कोई भी नाखुश नहीं दिखता है आपको अगर शो देखेंगे। और जो है वो गांव जो है वो गांव वाले शूटिंग नहीं देखने आते हैं तो वो एक ऐसा गाँव है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सेट की तरह है वो। दीपक मिश्रा जो डायरेक्टर है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो रोज ही जैसे ही किसी को देख लेता चिल्ला के बोलता है जो भी बिना एक्टिंग वाला आदमी सेट पे दिखेगा उससे एक्टिंग करवाऊंगा तो जो आता ही नहीं है। और मज़ा है भाई वो रोज़, मतलब आप इतने अच्छे एक्टर लोगों के साथ काम करते हैं तो उनका चलता रहता है, हम लोग तो मजाक में रहता है मामला। पर यह कि सुबह सुबह उठना पड़ता है, 5:30 बजे उठो, 6:30 बजे तक पहुँचो। सबसे अच्छा और बुरा होता है वहाँ का टेम्परेचर, 45-43, वो अपने आप में कॉम्पिटिशन करता रहता है कि आज कितना इन लोगों का बुरा करें, कभी 45 के 46, तो उसमें पर किस्से हैं वहाँ रोज़ के मज़ेदार। आपका जो कैरेक्टर है प्रहलाद चाचा का वो तो सबको पसंद है ही, लेकिन आपको कौन सा कैरेक्टर जो है पंचायत का वो आपके करीब है, नज़दीक है, आपको पसंद? प्रधान जी। हाँ, उनका बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मुझे तो बहुत प्यार है। क्यों आपको क्यों मतलब पसंद है? क्योंकि जो इंसान वो कर रहा है मुझे लगता है कोई और कर नहीं सकता प्रधान जी, मतलब एप्ट इंसान वो है। दूसरी चीज़ है कि उनके साथ काम करके आप रोज़ अपनी एक जो आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनली उसमें एक एक चीज़ टिक मार्क करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि ये अच्छा ये अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो हमारी मेरी उम्र जितनी है उससे 5-7 साल आगे से वो आदमी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वही नो वो अपने आप में एक बुक है वो। और सबसे चंचल इंसान वही है सेट के तो वो उनके साथ हंसाते रहते हैं, गाना सुनाते रहते हैं, म्यूजिक के बारे में बताते रहते हैं। तो रघु भाई के साथ मज़ा है बस, किसी भी इंसान को अगर छुट्टी बनानी है 2 महीने जा जाए शूटिंग पे, गर्मी बहुत रहेगी पर आके बैठ के सुने मज़ा आता है, अच्छे लोग हैं वो। लंबे समय तक आप प्रोड्यूसर भी रहे, लाइन प्रोड्यूसर थे, फिर पर्दे के सामने अब हैं, पर्दे के पीछे भी काम किया है, दोनों में क्या अंतर है और मतलब आपको क्या पसंद है ज़्यादा? देखिए मुझे तो पसंद दोनों ही है, पर यह है कि जब प्रोड्यूसर एक बहुत थैंकलेस जॉब होता है प्रोडक्शन, वो कुछ भी करे कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। आपने देख लिया प्रोडक्शन वाले के साथ बहुत बुरा होता है, वो गाली खा रहा होता है हर किसी से, क्योंकि थैंकलेस जॉब है। पर वो क्या है कि जब वो उसके प्यार में करता है वो, कोई एडी जाके जो है प्रोडक्शन नहीं करता है, देखा होगा आपने, और प्रोडक्शन वाला बेचारा जो मेहनत करता है जो स्पॉट होता है उसको भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ। असली प्रोड्यूसर तो वो होता है जो सुबह 5 बजे क्रू तैयार करता है ताकि आप 7 बजे की शूट कर लें, और सबसे लेट जाता है सोने के लिए, सबसे लेट खाना खाता है, तो वो बहुत ऐसे। और कहते हैं ना कि अगर कैप्टन ऑफ द शिप जो है डायरेक्टर होता है तो मदर ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूसर होता है, शुरू करता है उसे बनाना, उसे बनाता है, देखता है, अपना शो बनते हुए देखता है। और हम लोग जो कंपनी में काम किए हैं जिसके साथ सीखे हैं या जो भी बनाए हैं, हम लोग एक कंटेंट डेवलप प्रोडक्शन कंपनी, पैसे वाली कंपनी तो है नहीं, हम लोग तो डेवलप करते थे, जाके क्लाइंट को सुनाते हैं, उसको पसंद आता है तो बनाते हैं, नहीं पसंद आता वापस जाके फिर PPT लेके पहुंचते हैं। तो वो बनाना अपने आप में एक जंग है। और क्या होता है कि उसका जो रिजेक्शन है प्रोड्यूसर को कभी नहीं दिखता है, ये कहानी बनाने में उसने कहाँ कहाँ कितने पापड़ बेले, कैसे बनी वो, जब भी बन जाती है लोग बोलते हैं डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया, एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया,
प्रोड्यूसर के लिए कुछ नहीं होता है, तो ऐसा है। पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेहनत लगती है, लगता है जब अपना बना हुआ चीज़ जब देखते हैं ना तो लगता है बहुत से बनाया था अपने। टीवी पे ना फ़ोन करके बता के प्राउडली बोलते हैं शो मैंने बनाया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल ख़त्म हुआ, इस पंचायत के दो जो एक्टर हैं विनोद जो अशोक पाठक हैं और सुनीता राजभर, ये दोनों ही कांस पहुँचे थे। आपको बताया मतलब वहाँ जब पहुँचे या उससे पहले आपको जानकारी थी? नहीं जानकारी तो नहीं थी, उनकी फ़ोटो देख के मैं वो हो गया कि ये क्या पहुँच गया, पिक्चर पर जब पता हो गई थी, पर वो सब पहुँच गए कांस में तैयार होकर अच्छे लग रहे थे और जो है मतलब कि जो है बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था कि अपने शो के दो जो है लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे से एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगा कांस में। कांस में इस बार 30 सालों बाद ऐसा हुआ है कि किसी मूवी को अवार्ड मिला है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। जब हम उनकी उस मूवी के एक जो एक्ट्रेस हैं उनका जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे कांस में, तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ना बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अब आप गोरे हैं या काले हैं, किस भाषा से आते हैं, कहाँ से आते हैं, अब ये उतना मायने नहीं रखता। आपको भी लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, वो कितना सस्टेन करेगा वो बड़ा वो ज़रूरी है। चेंज हर एक फॉर्म हर एक दुनिया में रहा है, सिनेमा में पहले भी रहा है अभी भी रहा है। तो और कलर कलर वाला तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत सीरियस मैटर करता है, क्योंकि मैं उसको मानता नहीं हूँ उन सब चीज़ों को। एक्टर लोग अच्छे रहेंगे काम। लैंग्वेज वाइज बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, चेंज आप दूसरे की लैंग्वेज का कंटेंट आसानी से देख सकते हैं, ये है मैं कहता हूँ चेंज ऑफ फॉर्म कहते हैं। उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है, ढेर सारे प्लेटफॉर्म में जो आपको दिखा रहे हैं सब टाइटल में उनका प्लान है। बहुत एक चैनल था सोनी मैक्स, उसमें इतने साल जिगर ठंडा चली है, उसका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए ऐसी पिक्चरों का जो 400,000 बार चली है उसमें, मजाक की बात नहीं। पर यही वहीं से शुरू हुआ है, लैंग्वेज की वजह से जो है लैंग्वेज बहुत जल्द एक्सेप्टेबल हो गई है। पुष्पा जैसी फिल्म चल रही है वो भी हिंदी बेल्ट में, तो ये चेंज हुआ है। पर अच्छा खुशनसीबी की बात यह है कि हमने बहुत बड़ा एक अवार्ड जीता वहाँ पर और फिल्म बहुत अच्छी होगी मुझे लगता है। अब सुनीता राजभर मतलब एक हमारे ही ब्रूड के ही इंटरव्यू में कहती हैं कि उनको जब शुरू में जो रोल मिल रहे थे ना वो एक ही तरह के मेड वाले रोल मिल रहे थे, तो उनको लगता था कि यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा इसी तरीके का अगर रोल मिलते रहे, तो फिर उन्होंने ब्रेक लिया उस चीज़ से, एक्टिंग से। वो ये भी कह रही थी कि जो इस तरीके के छोटे मोटे रोल करते हैं उनको सेट पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। चूँकि आप लाइन प्रोड्यूसर भी रहे हैं, पर्दे के उस पार भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपको पता है क्या, आपको क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जो छोटे मोटे कलाकार जो या छोटे मोटे रोल जो करते हैं, कलाकार तो छोटे नहीं होता कोई भी, लेकिन जो छोटे मोटे रोल करते हैं उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव होता है या कुछ होता है? मैं तो नहीं करता था, जब मैं करता था मेरे सेट पे खाना एक जैसा सबके लिए होता है, अच्छे से लोग रहते हैं। वो मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ होगा। पर मैंने जब से प्रोडक्शन सीखा और मैंने रूल बनाया है कि ये सब चीज़ें नहीं होती माया कि किसका खाना इधर उसका खाना उधर, वो यहाँ बैठे हम यहाँ बैठे, वो क्या होता है वो टीम टू टीम होता है। कभी कभी आपको सच बताऊं कि जब क्लाइंट ही पैसा काट देगा वो कहेगा हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो कहानी किसी को पता नहीं होती ना कि अकाउंटेंट टाइप का आदमी क्लाइंट टाइप का आदमी बोलेगा कि 500 का सामान तुम 300 में करना है तो कैसे करेगा, वो कॉस्ट कटिंग का पार्ट होता है। पर बिहेवियरल जो मैं कह रहा हूँ बिहेवियर पर्सन टू पर्सन होता है कि नहीं, कि आपको मिला होगा बदतमीज़ आदमी उनके साथ किया होगा, ऐसी बदतमीजी मेरे सेट पे कोई नहीं कर सकता, ये रूल है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो पिक्चर बनाते हैं, एक्सेल की आप फिल्मों में जाइए वहाँ का खाना आप खा लेंगे तो 5 स्टार फेल है, बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। तो वो बहुत वैरी करता है किसी किसी पर, मुझे तो मैंने सुना उस दिन उनका इंटरव्यू कि जो है बिहेवियरली होता है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ अपनी साइड से, तो कभी उनको मिलेंगे सॉरी, ऐसा तो करना नहीं चाहिए वैसा। आप अपनी भी खुद की प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उससे वेब सीरीज़ और फिल्में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए 10-12 सालों में क्या क्या आपने प्रोड्यूस किया है? मैंने भाई पहले मैं एग्जीक्यूट प्रोड्यूसर की तरह लास्ट 2-3 फिल्में की, साधु चक्के रिवॉल्वर रानी, मैं और चार्ल्स, उसी टाइम पर मैंने अपनी कंपनी खोल ली थी, उस कंपनी का नाम है हमारी फिल्म कंपनी टाइम में, और उसमें हम लोग काम कर रहे थे और उसमें हमने शो बनाया MTV के लिए, एक सीरीज़ बनाई स्मोक करके, जो पहली थर्ड सीरीज थी इंडिया की शायद, वो एरोसनाओ पे है वो। फिर कुछ फिल्में बना रहे थे रुक गई, फिर रुकती, बीच में कोविड आ गया, कुछ चीज़ें डिस्कवरी चैनल की कर रहे थे वो भी रुक गई,
फिर वो शुरू कम ज़्यादा होता रहता है। मतलब अभी एक और फिल्म बनाने की प्लान कर रहे हैं, अब देखिए सब कुछ सही रहा तो शूटिंग शुरू करेंगे, वरना आजकल तो ओके करके भी लोग बोलते थे बंद कर दो फिल्म, आजकल टाइम ऐसा चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते, किसी भी टाइम फोन आ सकता है। अप्रूव बजट अप्रूव कास्ट पे भी लोग कहते हैं रुक जाओ फिल्म, तो आजकल मार्केट में है ऐसा काम थोड़ा सा कम है, पर फिल्म काम किया हम लोगों ने काफ़ी, फिक्शन किया नॉन फिक्शन किया, काफ़ी कुछ शो किए। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब आपको रोल मिला 2012 में, उसके बाद से एक्टिंग को लेकर के, वो तो एक्सीडेंटल तौर पर आपको मिला था, उसके बाद के क्या प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया उसके बारे में अगर थोड़ा बताना। उसके बाद मेरी कंपनी खुल चुकी थी, हम लोग अपना प्रोडक्शन हाउस बनता, मेरे पास बहुत ढेर सारे पुलिस वालों का रोल आया था, ऐसा लगता रोज पुलिस बन के कहीं ना कहीं जाना है। वैसे तो मैंने नहीं किया, फिर एक दो साल काम ही नहीं किया, मैं दोस्तों के लिए कर लेता हूँ, किसी दोस्त का फ़ोन आता है तो कर लिया नहीं मैंने। फिर वैसे अपना काम करा था, पंचायत किया फिर बाद में मैंने, एक मेरे दोस्त की फिल्म थी फ्रॉड सही है वो किया, वो भी दोस्ती थी उन्होंने बुला लिया कर लो, वो किया। उसके बाद पंचायत आया था, उसके बाद से एक्टिंग को सीरियसली कर रहा हूँ, बैठ के करना चाहिए क्योंकि जब अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करना चाहिए तो उसको ना तो कह नहीं सकते। पर यह है कि पुलिस का रोल मुझे आए दिन बहुत आता है, शायद मुझे पिछले जन्म में पुलिस था मैं, कि लोग जो है फ़ोन करके या मैंने खुशी से बोला कि भाई वर्दी सिलवा घर पे रख लेता हूँ और रोज़ ये चेंज करता रहूँगा, माँ प्रापू ऊपरापू उत्तर ऐसे करके कि तुम लोग बुलाते रहें, तो वैसा है तो वो नहीं किया। पर ब्लैक विडोज करके एक शो किया, पंचायत किया, अभी मैंने मस्त में रहने का एक फिल्म की थी जैकी श्रॉफ वाली, एड वैड करता रहता हूँ। एक्टिंग का एक अच्छा स्पेस चल रहा है काफ़ी, अब सोच रहा हूँ कि कम खाओ गम खाओ थोड़ा खाओ खूब चबाओ वाली चीज़ में चलना है, कि रोज़ ही नहीं कुछ कर रहे हैं रील वील बना रहे हैं, सब हो नहीं पाएगा मुझसे, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बन राकस जो आप ही के साथ ही हैं पंचायत में, कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो अपने स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि कैसे हाईवे में काम करने के बाद भी उनको 4 साल तक कोई काम नहीं मिला, और फिर मुंबई के आराम नगर में कैसे वो बार बार कास्टिंग जो डायरेक्टर हैं उनके पास जाते थे और काम मांगते थे। मैं थोड़ा सा जो साइड रोल करते हैं जो एक्टर उनके स्ट्रगल के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपका भी कोई इस तरीके का स्ट्रगल रहा है या आपके पास ऑलरेडी पहले से प्लान बी था तो इस तरीके की चीज़ें नहीं झेलनी पड़ी। स्ट्रगल को मैं, ये वर्ड बड़ा ख़राब सा है स्ट्रगल, इसमें बहुत नेगेटिविटी है, ये प्रोसेस का पार्ट होता है। दुनिया में हर एक लोग जो है जब करेक्ट हो जाते हैं तो अपनी बुरी टाइम बताते हैं कि हम ज़मीन पे थे रोड पे थे यहाँ पे थे वहाँ पे थे, वो आपका चॉइस है दोस्त, आपके माँ बाप ने तो भेजा नहीं था ये आपकी अपनी चॉइस है, ये एक तरीके का आपके प्रोसेस का पार्ट होता है, तो लर्निंग कहता हूँ मैं उसे कि अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको कुछ आके करना पड़ेगा। मैं जब बॉम्बे में आया मुझे समझ में आ गया कि एक्टिंग मेरे बस की चीज़ नहीं, 3-4 महीने में यहाँ तो रहना पड़ेगा, और जो अंग्रेज़ी पिक्चर देख के 4 दोस्तों से बहस करते थे समझ में आ गया सिनेमा सीखना पड़ेगा, तो उसमें काम किया मैंने, काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ना दोस्त, और काम करोगे तो तकलीफ़ होगी नहीं मिलेगा पैसा नहीं होगा ऐसा, और उसको लेके उसका एक सैड स्टोरी नहीं बना था, मुझे अच्छा हुआ जो हो रहा था और बुरा होगा तो और अच्छा होगा। मैं तो कोविड में मेरा बहुत लॉस हुआ करीब 70-80 लाख रुपए का, ऑफिस बंद कर बंद किया फिर खोला ऐसे चला, क्योंकि नहीं हुआ लोगों ने शो बंद कर दिया, मुझे भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है, एक ही रात में दो शो एक फिल्म सब बंद जिसमें पैसा लगा हुआ है राइट्स का पैसा लगा हुआ है, पैसे चले जा चुके हैं, पता चला सब जोड़ जाड़ के तो 1.6-1.7 लाख रुपए ख़त्म हो गए थे लोन के साथ। तो हर एक चीज़ जो एक्टिंग भी है वो भी एक तरीके का प्रोसेस ही है, और अभी भी मुझे काफ़ी लोग काम नहीं देते एक्टिंग का, जब पैसा नहीं देते हैं या बुला के बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो एक क्योंकि ये इतना टफ जॉब है ना, ये टफ है, आपको वही वैसे ही रहना है। और मुझे ये नाम ये बड़े वर्ड से बड़ा ख़राब लगता है स्ट्रगल, बेचारा वो कर रहा है जिसको तो अपना काम नहीं आ रहा है, तुम तो हम लोग एक्टर हैं या फिर वो एक एक्ट वो अपने प्रोसेस में नहीं मिलता है, नहीं मिलती चीज़ ऐसे हज़ार लोगों को नहीं मिल रही है, वो तो सीख के आए हैं हम भी, हम लोग भी चलो काम कर लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बेचारे परेशान हैं, स्ट्रगल वो कर रहे हैं फाइट वो मार रहे हैं, हम लोग तो जिस दुनिया में आए वो अपने आप में फाइट है सिनेमा मेकिंग, उसको वो कभी किसी के लिए आसान हुआ है, बड़े से बड़ा डायरेक्टर परेशान रहता है अपनी फिल्म के फर्स्ट डे में, वो कुछ भी कर ले वो नहीं, वो ऑडियंस के बहुत डिपेंडेंसी वाला जॉब है ना ये,
मैं अपने आप में अपने आप को कुछ भी मानता हूँ, नहीं नहीं मिल रहा है ना काम, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो सीधी सी बात है, उसमें गोल गोल घुमाने अब काफ़ी लोग हैं जो कहानी बताते हैं कि मैं रोड पर रहा, हम सब भी रोड पर रहे हैं। और क्या, हमारे पास ही पैसा नहीं था, काम नहीं था, फाइट रहती है, क्या करें। पर वो मज़ा आता है फिर, तो तब आता समझ में कि काश पापा की बात मान के चले गए होते वापस। इलाहाबाद से आप लखनऊ, फिर वाया दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे। थोड़ा सा मैं इस पूरे जर्नी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि शायद दसवीं की अगर हम बात करें तो वहाँ फेल हो गए थे। सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ नहीं है। अच्छा, तो उसमें क्या होता था कि सब चीज़ ने पास, मैथ ने फेल वाला चक्कर था। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ फाइव से निकल जा रहे थे, होता नहीं था कि चलो खिसक गए आप आगे। तो टेंथ में मैं पास हुआ था फाइनली जाके। अच्छा, मेरे को मैथ समझ में नहीं आती थी। अभी आती है कि नहीं? अब तो अभी काम करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए ना, जिस चीज़ से भागता था मैं पढ़ाई से, जब बॉम्बे पहुँचा सोचा पढ़ाई का एक्टिंग कर लेंगे, सब एक्टर लोग पढ़ाई देके थोड़ी नहीं होते हैं। पर तीन महीने बाद समझ में आया, अरे बाप रे बाप, तो फिर काम, जब काम करना लगा पढ़ाई लिखाई ज़रूरी थी। एडी बनो, असिस्टेंट बनो, प्रोडक्शन करो, जो भी काम को पढ़ना ही जरूरी था, या फिर मेहनत करो। तो मेरे पास तो लेबर था, मैं था खाली, तो भाई मुझे होता मैं करने लगता था। मैंने एडिटिंग सीखी 5-6 महीने में, रात में चुपके चोरी से, जो क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले लोग जो आते थे वो कोई रहता था उसके उसके बगल में बैठ जाता था, शॉर्टकट वॉर्टकट सीखता था मीडिया अंडर से ये कैसे होता है। फिर एक दिन बॉस को सिखा, बताया कि सर मुझे आ गई मशीन, दे दो चला लो। तो वैसा है, वैसे कर करके टेंथ के बाद फिर मैं ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ करने के बाद बीकॉम करने के हुआ, बीकॉम थर्ड ईयर था, समझ में आ गया ये भी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी छोड़ा। बाय द टाइम सोचा एमबीए कर, मेरे पापा ऐसा कुछ था, उसमें भी ट्राई मारा, वो भी नहीं, मतलब ट्राई क्या हो ही नहीं, पढ़ना ही का मन ही नहीं था तो क्या कर पाएंगे। जाके एक्सेप्ट करना पड़ा अपने घर में कि देखिए जो आप सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है नहीं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, मुंबई जाके एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो ले गए मेरे भाई बेचारे, समझ लीजिए कि आई एम ब्लेस्ड विद कि मेरा भाई मेरे पापा के बराबर ही लेके गया, मुझे एडमिशन कराया। 3-4 महीने बाद ये भी समझ में लग गया कि भाई ये भी नहीं आता ठीक से, ये भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है, रहना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो मैंने काम करने लगे, पहले 700 की नौकरी की, फिर 1500 की नौकरी की, फिर 3000, वो मतलब वहाँ भी पैसा ऐसे ही बढ़ रहा था। पर ये सोच लिया था कि सिनेमा में अगर काम करना है सिनेमा से प्यार होना चाहिए पहली चीज़, दूसरी इसको आना चाहिए। तो कोर्स करने का पैसे वैसे थे नहीं, तो काम कर करके मैंने सीखा है, मैं सब कर चुका हूँ, सारी जॉब जो होती हैं, चैनल में नौकरी कर चुका हूँ, असिस्टेंट बन चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोडक्शन रह चुका हूँ, एडी रह चुका हूँ, एडिटर रह चुका हूँ, नॉन फिक्शन शो कर चुका हूँ, ये सब सारे पाप कर चुका हूँ उसमें। और मज़ा आता था मुझे, क्योंकि यार ये जॉब ही सब अच्छी है। मैं न्यूज़ में भी काम कर चुका हूँ, न्यूज़ का शो बना चुका हूँ, लाइव कर चुका हूँ, फ्लोर कर चुका हूँ, फ्लोर साफ कर चुका हूँ, तो मज़ा आता है इसमें। पिक्चर बनाना बहुत तभी आता है, अच्छा लगता है ना, कीड़ा क्यों काटा था भाई जाके कुछ और कर लेते, तो वो मज़ा आना चाहिए काम करने में, ये है। तो अभी तो आप फेमस हो गए हैं, अभी जैसे लिफ्ट में एक भाई मिल गए थे तो लोग आपको पहचान लेते हैं, कोई ऐसा फैन मोमेंट रहा है आपका? कि मैंने एक कहीं पढ़ रहा था कि कोई आपके साथ घुस गया था टॉयलेट। हाँ, वो पीछे पीछे आ गए वो, अब मैंने बोलना उंगली कहाँ है, मैंने कहा भाई जाओ यहाँ से, तो उंगली मिल जाए, मैंने समझ में नहीं आता कि उंगली कहाँ है। अच्छा अच्छा, वहाँ से पुर से करना ठीक है, उनका भाई अब 2 मिनट हो जाएगा, माना नहीं वो आदमी, रुका था वहीं पर ही। तो मिलते हैं लोग, अच्छे 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 लोग मिलते हैं, प्यार है भाई तो क्या कहेंगे। अब आप जिस चीज़ को आप चाह रहे थे उसकी वजह से लोग आपसे मिल रहे हैं, तो बदतमीजी थोड़ी नहीं कर सकते उनसे, वो अच्छे लोग होते हैं, अपने मूड में होते हैं, उनको मिल गया बुला लेते हैं। काफ़ी लोग तो अंकल वंकल टाइप के दस होते हैं, कम यार जी वेरी गुड गो, तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं, काफ़ी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो कहते हैं ना नेम फेम की दुनिया, दूसरों सुनता तो ऐसे ही होता होगा उनके साथ भी, मज़ा करते हैं, मज़ा, मैं तो हंसने लगता जो कुछ सुना देता हूँ। तो प्रहलाद चाचा का जो कैरेक्टर है जी, ये आपके साथ एक तरीके से जुड़ गया है, मतलब आपके व्यक्तित्व के साथ, मतलब कई लोग आपका असली नाम नहीं जानते होंगे लेकिन प्रहलाद चाचा के नाम से जानते होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब कोई कैरेक्टर आपके व्यक्तित्व के साथ ऐसे जुड़ जाता है कि वो आपकी पहचान बन जाता है, तो उसके क्या नफ़ा और क्या नुकसान है? नुकसान तक तो अभी बात पहुंची नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हाँ, पर वो कैरेक्टर को, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद प्ले करना होता है, तो उस तक पहुँचने के लिए हो जाता है। सीज़न 1 कर लिया, अभी 2 साल बाद शूटिंग हो रही है उसकी, तो समझ में आता है ये था ये था,
तो अब नहीं अपने वही चीज़ करनी होती है, कैरेक्टर तो वही रहेगा ना। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग एज अ प्रोसेस वही थोड़ा सा, जब तक वो शूटिंग शूट नहीं होती दिमाग में रहता कहीं वहीं भूल ना जाऊँ वैसा कुछ किया था ऐसा कुछ था। कैरेक्टर के अपने ट्रेट्स होते हैं, उसका वॉकिंग, उसका सेंस, उसका बोलने का तरीका, वो सब पहली बार तब करके गोली छोड़ के चले जाए, सब सीजन टू तो याद करना पड़ता है। शूटिंग में लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम यार कभी कभी नहीं वॉल्यूम अलग हो जाता है, आप कोई और पिक्चर कर करके बारे में सोच के एक्टिंग करने लगते हैं, फिर कहते हैं प्रहलाद नहीं कोई कोई और है भाई यार, फिर सोचते अच्छा ना सॉरी सॉरी गलती हो गई, फिर पढ़ते हैं तो वो है। पर वो रिहर्सल से आराम से ठीक से नुकसान मुझे लगता है होता नहीं है ऐसा कुछ अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस में भाई नहीं है को, और अगर होगा तो मुझे अच्छा अच्छा है सब, एक्टिंग करनी है तो अच्छा ही लगेगा ना उसमें नुकसान। इलाहाबाद की कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुंबई में मिस करते हैं या लगता है कि इलाहाबाद में ही मिलता है कोई और कहीं और नहीं मिलता टाइप? दोस्त है मेरे लाइफ में इलाहाबाद में, और खाना, मेरे हालात देख के आपको लगता है वो खाने के लिए मेरे थोड़ा सा दोस्त जो हैं वो, और जो शहर जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत टाइम बीता है, मेरा स्कूल है और वो हैं हम लोग मतलब काफ़ी स्कूल का भी ग्रुप है तो उनके साथ वही बहुत मिस करता हूँ। अम्मी हमें वहीं रहती हैं तो घर है हमारा, और टच वुड काफ़ी ढेर सारे दोस्त हैं तो उनको बहुत मिस करता हूँ क्योंकि पहले वो अब वो मेरी एज के हो गए हैं, कईयों के बच्चे अच्छे बड़े हो गए हैं और फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ, तो वो काफ़ी टाइम मेरा लाइफ का दोस्तों के साथ बहुत बीता है। कभी आपको ये लगा कि किसी की वजह से या धर्म की वजह से या किसी वजह से आपको भेदभाव या कुछ झेलना पड़ा हो इंडस्ट्री में? नहीं वैसा तो नहीं हुआ कभी, भेदभाव भेदभाव तो है नहीं। ऐसा लगता कभी कभी जो है कि कोई रॉन्ग आदमी जो है वो किसी अच्छी जगह पे बैठ के रॉन्ग चीज़ें कर रहा है, रॉन्ग इन द सेंस कि वो सिनेमा पता नहीं है और वो डिसीजन मेकिंग पे है। ऐसे लोगों से आपका बहुत वो पाला पड़ता है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ में ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम बना बहुत ढेर सारा रहे ना, हमारा सक्सेसफुल सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हम अपनी लैंग्वेजेस को अभी अब शुरू किया है हमने, हमारे पास रीजनल में भी कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वहाँ नहीं घुसते हैं। तो जो आदमी कभी एक्स जगह गया नहीं होगा उस जगह के बारे में कहानी कैसे बना सकता है, मुझे ऐसा लगता है, या गया नहीं या पढ़ा नहीं तो वो होता है। तो सक्सेस अगर नहीं होता मुझे अफसोस होता है ना कि इतना ढेर सारा पैसा लगा के ढेर सारा कॉन्टेंट बन रहा है और 100 में से खाली 5 चीज़ आइडली 40 या 50 होनी चाहिए, 50% रेशियो पे होना चाहिए उसका सक्सेस रेट। तो सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब पैसे रेवेन्यू के मामले में या लोगों को पसंद आ रही है या मतलब एक अच्छे सिनेमा की क्या पहचान है आप? कहानी अच्छी होगी तो अपने आप पैसे आएंगे भाई, ये बात तो आपको पता ही। अभी आप रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, लापता लेडीज एक अच्छी फिल्म है, सबको अच्छी लगी है जी जी, और उसी कहाँ उसने पैसे भी कमाए हैं। हर एक फिल्म 100 करोड़ रुपये नहीं कमा सकती है, ये सब दिमाग निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस, क्योंकि हर एक दूसरा आदमी आजकल रिव्यू लिखने लगा है। आप चौराहे पर जाइए 4 आदमी रिव्यू लिख रहे हैं तो उसमें कोई है नहीं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। पर हर एक पिक्चर 100 करोड़ की नहीं हो सकती है, अगर 2 करोड़ की पिक्चर भी 4 करोड़ रुपये कमाती तो वो एक हिट फिल्म है, दैट्स इट। कहानी की वो का मसला होता है ना, तो आप पूरी दुनिया चाहती है कि हम उनकी तरह बनाने लगें, सब RR नहीं बना सकते ना, आपको अपनी चीज़ बनानी चाहिए, उनको अपनी चीज़ बनानी चाहिए, उनको अपनी, आप सब उनके जैसा बनाओगे ये इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि मेरी मतलब मेरी चादर उसकी चादर से सफ़ेद कैसी अल्लाह चक्कर नहीं तो वह तो वैसा वाला है। प्रोसेस का क्या होता है, जैसे उन लोग जब फिल्म बनाते हैं उनकी सीरीज देखिए, वो काफ़ी, मैं तो बहुत सीरीज़ देखता हूँ, बहुत कई 15-16 साल हो चुका है कि मैं रोज़ एक एपिसोड या एक फिल्म देखता हूँ रोज़। तो वो उनका सेट अलग है, वो अलग दुनिया में जो काम करते हैं, आप अंग्रेज़ों की तरह बनना चाहते हो पर फॉलो नहीं करते हो, है ना, कि उनके जैसा सिनेमा बनाऊंगा पर आप कर नहीं रहे उसके लिए। तो लास्ट कौन सी सीरीज या मूवी देखी आपने? अभी मैंने हिंदी चमकीला देखी थी, लापता लेडीज देखी है, इंग्लिश में मैंने देखा है क्या नाम से चमकीला, कैसी लगी आपको? बहुत ज़ोरदार चमकीला देख के ना मुझे लगा कि सिनेमा बन रहा है अभी, अभी कुछ लोग हैं जो बचा के चलेंगे वरना डर लग गया था मुझे। हालांकि कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि हर कोई इस समय रिव्यू कर रहा है मूवी का या सीरीज का, चमकीला को लेकर के कुछ लोगों का कहना था कि जो चमकीला का जो मेन वो था जिसकी वजह से जाति की बात लोग कर रहे थे कि जाति की वजह से उनको मारा गया, वो मूवी उस चीज को एड्रेस नहीं करती है, ऐसा लगा आपको मतलब देख के? कुछ देखिए क्या है कि वो फिल्म चमकीला की जात पे भी नहीं थी, वो फिल्म चमकीला पे थी, ठीक है,
और एकदम करेक्ट आदमी ने फिल्म बनाई इम्तियाज अली ने, और बहुत दिन बाद उसकी बेस्ट एडिटिंग जो नहीं कहते हैं फिल्म की वो है फिल्म। और सबसे अच्छी बात आप देखिए कि जिस आदमी का नाम चमकीला है उसके गाने भी आपने सुने और आपने ए आर रहमान के भी गाने सुने, मतलब जो चमकीला गाने नहीं थे। आप सोचिए ना क्या फिल्म है, कि ये सोचना अब नॉर्मल किसी म्यूजिक के बंदे की आप फिल्म बनाइए और फिर आप उसी गाने को आप पूछते रहेंगे, नहीं होगा। वो डिसीजन मेकिंग होती है ना सिनेमा की, कि ये फिल्म होगी ऐसा होगा ऐसा होगा। आप चमकीला गाना लाइव सुन रहे थे, उसके बाद जब दूसरा गाना आप यहाँ सुन रहे थे, वो दोनों ही साथ में फिल्म के थे, डिटैचमेंट नहीं था। मुझे तो मैं मतलब 3 बार देखी मैंने उस फिल्म को, सब कुछ अच्छा है उस फिल्म का। वो दूसरी बातें होंगी लोगों की, मतलब कि अब कहने वाले तो लाख बुरा कह दे ये नहीं था वो नहीं था, तो भाई सब करना तो तू अपनी लिए एक फिल्म बना डालता है कि नहीं। सिनेमा के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से सबसे करेक्ट फिल्म थी उसका ओपनिंग मिडिल एंड एकदम करेक्ट था। और उसने जाके उसको बताया भी ना, उसने उसका तो डायलॉग भी ना दिलजीत का, कि दुनिया ऐसे ही चलती है। तो वो उसके लिए हर चीज़ में नहीं है कि पिक्चर ही बताएगी सब कुछ क्या होने वाला है, पर फिल्म बहुत अच्छी थी, आप लोगों को फिर से देखनी चाहिए और स्पीकर पे देखनी चाहिए। मैंने उसको तो कई बार अलग अलग फॉर्मेट में देखा, आईपैड में देखा, फिर टीवी पे लगा के स्पीकर पे देखा। और आप आँख भी बंद करके फिल्म देखेंगे, बंद कर लेंगे ना, कभी ट्राई करिएगा, आपको पिक्चर अगर सुनाई दे रही है मतलब आप देख रहे हैं उसे, एक्सरसाइज है वो अच्छी सी। पहले रेडियो पे फिल्में आती थी इस तरीके से। हाँ, आपसे फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अगर आप कुछ बता पाएं कि क्या आने वाला है क्या नहीं। जी, अभी 31 तारीख को एक मैंने फिल्म की है, छोटा सा रोल है, 1.5 बीघा जमीन, जियो सिनेमा पे वो आएगी। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर, फिर एक फिल्म है सब फर्स्ट क्लास है वो आएगी। नेटफ्लिक्स की सीरीज अमृत और पुनीत जी जिन्होंने मिर्ज़ापुर क्रिएट किया था उन्होंने बनाई है, और बलजीत जांजुआ जो हैं जिन्होंने कैट सीरीज आई थी उसके डायरेक्टर वो हैं। एक डेटिंग शेटिंग एक सीरीज़ है मिनी टीवी पे शायद आएगी वो आएगी, और एक फिल्म है बताओ नाम ही बोल रहा हूँ, जो तेरा है वो मेरा है, राज त्रिवेदी अमित सियाल परेश रावल वो आएगी। और एक तो इन सब में आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप एक्टिंग कर रहे हैं? भाई ये एक्टिंग वाला बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। जो बनाने के उसमें हूँ वो समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन में सेट हो जाए, तो एक बार वो ऑन हो गई थी फिल्म, फिर बीच में रुक गई, कुछ तो चक्कर हो गया, अब शायद बन जाएगी वो ऐसा लग रहा है, तो वो बनाने के उसमें हूँ। थ्रिलर है ख़तरनाक सा, तो वो कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो ये सब वो चीज़ें बताऊँ जो शूटिंग हो चुकी हैं, और जो बातें तो बहुत सी होती रहती हैं स्क्रिप्ट टाइप करेंगे। ब्रूट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।